मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजगोपाल शर्मा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही इस वारदात को लेकर बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कानून के प्रहरियों को ही नहीं बख्शा जा रहा है तो आम आदमी की कैसे हिफाजत हो पाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कल तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मथुरा बार आंदोलन करेगी। वृंदावन में हुई इस बड़ी आपराधिक घटना के संबंध में एसपी सिटी श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक प्लॉट का विवाद था, उसकी पैरवी वकील साहब कर रहे थे, दूसरा पक्ष इनसे रंजिश मानता था। मृतक पक्ष की तहरीर के बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया, पूरी टीम लगी हुई है, जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच में जुटी हुई है। एक वृंदावन में हत्या हुई है जिसमें एक वकील की हत्या की गई है और इसमें जो प्राइमा फिशी जांच से पता चला है एक प्लाट का विवाद था जिसकी वकील साहब पैरवी कर रहे थे और वो विवाद के जो दूसरे पक्ष है वो इनसे NMT मांगते थे और मृतक पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई है। हमने काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया है और रात में पूरी टीम हमारी लगी हुई है, हम जल्दी ही मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे और हम लोग यहाँ पे मौके पे हैं और कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो परिवारजन है उनसे हम लोग संपर्क में हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।